इस वीडियो में मैं आपको बंधन बैंक के डेबिट कार्ड का एटीएम पिन सेट करना या फिर भूल गए हैं तो दोबारा से सेट करना बताने वाला हूं। जिन लोगों ने नया नया अकाउंट खुलवाया होगा वे लोग पर्सनल डिटेल डाल करके अपना मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग बना लेते हैं और बाद में एटीएम कार्ड आता है तो आप अपना इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से एटीएम का पिन आसानी से बना पाएंगे या फिर आईवीआर के माध्यम से भी बना पाएंगे। या वे लोग जो भूल गए हैं, पहले से एटीएम पिन बनाया हुआ है और फिर से बनाना चाहते हैं, वो भी बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं मोबाइल बैंकिंग ऐप एम बंधन के माध्यम से एटीएम पिन बना करके आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर देख सकते हैं एम बंधन ऐप मैंने खोला हुआ है, इसमें लॉगिन कर लेता हूं एम पिन डाल करके 6 अंकों का। देख सकते हैं मेरा मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉगिन हो चुका है। यहां पर आपका बैलेंस वगैरह बताता है। पिन सेट करने के लिए बंधन बैंक लिखा हुआ है, बगल में जो 3 लाइन दिया हुआ है यहां पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मेन्यू लिखा हुआ है और उसके तीसरे नंबर पर यहां पर देख सकते हैं कार्ड्स लिखा हुआ है ये वाला, तो कार्ड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा और डेबिट कार्ड के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है और आपका ये डेबिट कार्ड वाला जो पेज है वो खुल गया है। देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम दिखा रहा है, अकाउंट नंबर दिखा रहा है और रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड ये है। तो इसका पिन सेट करने के लिए एक्टिव लिखा हुआ देख सकते हैं, उसके बगल में जो 3 डॉट दिया हुआ है ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं 4 ऑप्शन आ चुका है। मैनेज लिमिट्स, आप इसका लिमिट मैनेज कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं और अपग्रेड कार्ड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको पिन जनरेट करके दिखाने वाला हूं। जनरेट पिन के ऊपर तीसरा वाला ऑप्शन क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं अकाउंट नंबर दिखाने लग गया है, कार्ड नंबर भी ऊपर दिखाने लग गया है ये वाला, लास्ट का 4 अंक। अब आपको अपना कार्ड डिटेल वेरीफाई करना होगा, उसके बाद आप पिन बना पाएंगे। तो कार्ड डिटेल में आपको मंथ और ईयर डालना होगा, उसके बाद सीवीवी डालना होगा और नीचे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। अगर आप डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना चाहते तो पैन नंबर भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने एक्सपायरी और सीवीवी डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया है, पैन नंबर मैंने नहीं डाला है। अब मैं वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूं और उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहां पर नीचे ऑप्शन आ गया है इंटर न्यू पिन, यानी कि 4 अंकों का आपको पिन सेट करना है। यहां पर देख सकते हैं दोबारा से भी आपको डालना होगा, क्योंकि पिन सेट करेंगे तो दो बार डालेंगे, एक ही पिन दो बार डालना होता है। एक बार डालेंगे, दोबारा कंफर्म करने के लिए डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका 4 अंकों का नया वाला पिन बन जाएगा। तो चलिए मैं अपना 4 अंकों का पिन डाल देता हूं, आप अपने सुविधा के अनुसार सोचिए डालिए और किसी अनजान व्यक्ति को ना बताएं। यहाँ पर पिन मैंने डाल दिया है, दोनों में सेम पिन मैंने डाला है। अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटर 6 डिजिट एम पिन पूछने लग गया है, जो कि मैंने लॉगिन करते समय 6 अंकों का पिन डाला था वो वाला पूछने लग गया है वेरीफाई करने के लिए। तो पिन भी मैंने डाल दिया है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा पिन सक्सेसफुली बन गया है और तुरंत ही SMS भी आ गया है कि मेरा ATM पिन सक्सेसफुली नया डेबिट कार्ड के लिए बन गया है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इसी तरह से बनेगा और दूसरी बार भी आप इसी तरह से अपना पिन बना पाएंगे। गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना पिन बना पाएंगे और डेबिट कार्ड के ऑप्शन में जा करके मैं फिर से आपको दिखाता हूं, उसमें लिमिट वगैरह भी आप सेट कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। तो फिर से मैं डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन में आ चुका हूं। यहां पर फिर से 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देता हूं और मैनेज लिमिट्स एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक कर देता हूं पहले वाले ऑप्शन ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्या क्या ऑफ है और क्या ऑन है, टोटल डिटेल यहाँ पर दिखाता है। जैसे कि डोमेस्टिक में ऑन है और इंटरनेशनल ये ऑफ है। तो डोमेस्टिक में मेरा ATM लिमिट ऑन है, जो कि 40,000 का लिमिट है। मैं इसमें कम या ज्यादा कर सकता हूँ, मैक्सिमम इसका लिमिट 40,000 है, जो कि रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड है इसका। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी मेरा ऑफ है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मुझे किसी फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पर शॉपिंग करना होगा तो मुझे यहाँ से ऑन करना होगा और ऑन करके सेट करूंगा, उसके बाद ही मैं अपना पेमेंट करूंगा तो फेल नहीं होगा, नहीं तो मेरा जो पेमेंट है वो फेल हो जाएगा। इसलिए POS मशीन पर अगर आपको पेमेंट करना है तो ये भी ऑन है और इसका लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं करंट लिमिट 1,00,000 रुपए है। और कॉन्टेक्टलेस, क्योंकि मेरा NFC भी है इस डेबिट कार्ड में, तो ये ऑफ है, मैं इसे ऑन कर सकता हूँ, जो कि एक बार में 5,000 रुपया बिना स्वाइप किए मैं पेमेंट कर पाऊंगा किसी मॉल में या फिर किसी दुकान पर जो कि NFC सपोर्ट करता होगा वहां पर। मैं इसे ज्यादातर ऑफ रखता हूँ क्योंकि कोई भी इसका गलत उपयोग कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर ATM पिन बनाने आ गया होगा और मैंने बता दिया कि आप लिमिट कहां से सेट कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।